इकबाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरसेप्ट की गई बातचीत से पता चला है कि पूरी साजिश दुबई और ऑस्ट्रेलिया में रची गई है। पुलिस ने फरीदकोट से दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं भटिंडा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की एक और घटना के बाद चार जिलों में एहतियातन अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। वहीं सिख प्रदर्शनकारियों ने आज सीएम आवास का घेराव करने का फैसला लिया है। दुबई और ऑस्ट्रेलिया में साजिश रची गई थी, ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है। पुलिस ने इसी सिलसिले में दो भाइयों की गिरफ्तारी की है और उन दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति वहां पर खराब ना होने पाए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के लुधियाना में एक महिला पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगा है और इस शख्स ने पुलिस के सामने उस पर हमला बोल दिया। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शख्स के हमले से ये महिला जमीन पर गिर गई। लोगों ने शख्स को काबू में किया और पुलिस ने मामले को बड़ी मुश्किल से संभाला। पुलिस फिलहाल इन दोनों से ही पूछताछ कर रही है। विपिन परमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, बेहद हैरान करने वाले ये दोनों के दोनों मामले, फिलहाल ये बताइए इंतजाम वहां पर कैसे किए गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है स्थिति वहां बिगड़ सकती है, इसको देखते हुए कैसे सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह का इंटेंस माहौल बना हुआ है उसको लेकर कल डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और एडीजीपी क्राइम संस्था के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सुखबीर बादल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक भी हो गए थे। उनका ये कहना था कि बाहरी ताकतें, विदेशों से कुछ लोग ऐसे हैं जो पंजाब में अमन शांति को भंग करना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि जो ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं ग्रंथ साहिब जी के साथ उसको लेकर जो है पंजाब में लगातार इंटेंस माहौल बना हुआ और इसी का कारण है कि जो लोग, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ लोगों, जिस तरह से आज हमला भी हुआ है उसको लेकर जो है पुलिस अब सकते में है कि किस तरह के इंतजाम किए जाएं सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल जो है एक पीस मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का मामला है तो ऐसे में सरकार और पुलिस बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है। फिलहाल की बात करें चार घटनाओं, छह घटनाओं में से चार आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जबकि अगर बात करें फरीदकोट और अमृतसर की जो घटना है उनके आरोपियों को फिलहाल अभी तलाश कर रही है पुलिस। और सुखबीर बादल के द्वारा ये भी कहा गया कि अमेरिका, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई के साथ इसके लिंक जुड़े हुए हैं और जांच की जा रही है और आरोपियों को बख्श नहीं जाएगा। विपिन, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। विपिन परमार हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, दूसरी और खबरों के साथ होते हैं फौरन हाजिर।